तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे मेरे पास देख रहे होंगे, ये है GDS का रिजल्ट, मतलब GDS का मेरिट लिस्ट है, जारी किया गया है। ये अभी किसका मैं दिखा रहा हूँ, उत्तराखंड सर्कल का दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड सर्कल का है, दो सर्कल का जारी किया गया और एक असम सर्कल का। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो कैसे चेक करेंगे, असम से हैं तो कैसे चेक करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस पेज पर मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैसेज चैनल पर आता है। पोस्ट GDS का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर गूगल सर्च पर आना होगा और यहाँ पर आकर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर या जॉब्स फॉर यू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा लिंक ओपन होकर, पेज ओपन होकर आएगा। फर्स्ट में alljobsforyou.com देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। मैं इस पेज का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे आप इस पेज पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट आउट। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप मेरिट लिस्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया गया है। जैसे नीचे आएंगे तो और भी जानकारी देखने को मिल जाएगा। नीचे आने के बाद आप यहाँ से चेक कर पाएंगे जैसे आपका रिजल्ट अवेलेबल हो गया है, और भी जानकारी नीचे आप यहाँ से देख पाएंगे। और देखिए रिजल्ट कब आउट किया गया, आज 15/6/2022 को आउट किया गया। दो स्टेट का भी रिजल्ट जारी किया गया, बाकी स्टेट का एक एक करके जारी कर दिया गया। देखिए कौन कौन सा दो स्टेट है, असम और उत्तराखंड का जारी किया गया है। नीचे आने के बाद आप आधिकारिक वेबसाइट से, तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा असम और उत्तराखंड सर्कल का शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिलीज कर दिया गया। और जैसे नीचे आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया दो स्टेट का, असम और यहाँ पर उत्तराखंड। जैसे नीचे आएंगे तो इंपोर्टेंट लिंक एरिया हम देखिए मेरिट लिस्ट के आगे असम का चेक करना चाहता हूँ, असम क्लिक करेंगे। उत्तराखंड का चेक करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के ऊपर क्लिक करेंगे। असम पर मैं चेक क्लिक करता हूँ, देखिए असम का ये सर्कल फोर का असम का ये जारी कर दिया गया रिजल्ट। यहाँ पर डिवीजन देखने को मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जेंडर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाइड विथ, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताया गया, चलिए नीचे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस बार कट ऑफ नहीं बताया गया है, हर बार यहाँ पे कट ऑफ बताया जा रहा था लेकिन कट ऑफ इस बार नहीं है। इस बार के रिजल्ट जो जारी किया गया है केवल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दे दिया गया है, और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो यहाँ पर दे दिया गया। देखिए डिवीजन, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और जेंडर, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है, कट ऑफ के बारे में नहीं दिया है। कट ऑफ के बारे में अलग से मैं देखता हूँ, कहीं अगर अपलोड किया होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे नीचे आएंगे उत्तराखंड पर आप क्लिक करेंगे, उत्तराखंड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप उत्तराखंड वाले को PDF को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे भी कटअप यहाँ पे नहीं बताया गया है, केवल कैंडिडेट सेलेक्ट कैंडिडेट का नाम बताया गया, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। तो यहाँ से आकर के आप अपना उत्तराखंड और यहाँ पर असम का आप रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी जोन का जैसे, बाकी रीजन का जैसे रिजल्ट आता है, बाकी सर्कल का जैसे रिजल्ट आता है, सबसे पहले इसी वेबसाइट पर और इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर चेक कर लीजिए, कट ऑफ के बारे में अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये बताना आपको वीडियो में रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा कमेंट में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास SSC